इस वक्त मैं मौजूद हूं बांदा के नरेनी के मानपुर गांव में। ये किसान राजा राम का घर है। राजा राम यादव एक ऐसे किसान जो मेहनती किसान माने जाते थे इस गांव में, और हमेशा लोगों की तकलीफों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। कोई भी सुख दुख हो उसमें भागीदारी करते थे। लेकिन जिस तरीके से बुंदेलखंड के हालात हैं उससे राजा राम भी नहीं बच सके। राजा राम के पास 2 बीघे की जमीन थी और वहां पर यही उम्मीद रहती थी कि हर बार फसल अच्छी होगी तो शायद वो अपने तमाम जो काम हैं, शादी ब्याह हैं घर के और जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर सकेंगे। लेकिन हमेशा के मानिंद यहाँ का मौसम रूठा, फसल नहीं हो पाई सही। जो बैंक से कर्ज लिया हुआ था वो कर्ज लगातार बढ़ता गया। हालात इस कदर बिगड़ते गए कि राजा राम को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, कैसे इस हालात से जूझें। और आखिर में उन्होंने यहाँ के जो तमाम किसान हैं, एक तरीके से जो आकलन कहता है कि बीते दशक में 5,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली, उसी फेहरिस्त में शामिल हो गया राजा राम का भी नाम। राजा राम के परिवार के पास अब उनकी यादें हैं और इसके अलावा फिर वही जिम्मेदारियां, वही दर्द, वही दिक्कत, जिससे राजा राम ने तो निजात पा लिया होगा वो चले गए, लेकिन परिवार के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। ब्रजभान उनका बेटा हमारे साथ है। ब्रजभान आप किस क्लास में पढ़ते हैं? नाइस तो आपके पिता चाहते थे कि आप आगे खूब पढ़ाई करें, जी, लेकिन अब पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। मुश्किल बहुत है पढ़ना चाहते हैं, जी, पढ़ना चाहते हैं, मुश्किल है बहुत, और आपके एक परेशान भाई है। और आपके बड़े भाई हैं, वो क्या करते हैं? वो भी ऐसी बड़ी मजदूरी करते हैं बांधने में। मजदूरी करते हैं। जी तो आप पढ़ना चाहते हैं कि काम करना चाहते हैं? हम तो पढ़ने चाहते हैं लेकिन अब काम करना मजबूरी है आपकी। जी। अब काम करने में मुझे आई गई है। राजा राम की पत्नी भी हैं, उन्होंने भी अपने पति के साथ परिवार के लिए बड़े सपने देखे हैं, लेकिन बुंदेलखंड की बदहाली उसका शिकार जब राजा राम हुए तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार के ऊपर मुसीबत टूटी। अब तो खाने के लाले आपके परिवार को पड़ गए और दिक्कतें लगातार मुसीबत बढ़ती चली जा रही। जाती है अब कहे मैं का करूं, कुछ नहीं है मोरे, कहूँ मैया रहा सो चलोगा, हम नहीं यहाँ बनी मजूरी है तो कहे मैं खवाऊं लड़का बिटिया, मो ब्याह लायक हो गए हैं, अब भूखे के पिया से फिरी थे, खेती बारी हमारे है ही नहीं यहाँ, सुखा कर लें। क्या बैंक से जैसे जो कर्ज लिया हुआ था उसके बाद फिर बैंक से 30,000 रुपये आप बाद में आए भी सरकार की तरफ से, लेकिन बैंक वाले अब आपको दे नहीं रहे हैं? नहीं देन नहीं, जमा करा ली नहीं, क्या कहते हैं? जमा करा ली, कहते कि ये बैंक में जमा कर दो तुम्हारा हवे करा जे उसको, तो वही जमा करा ली नहीं 30,000। तो अब कैसे घर परिवार कैसे चलाएंगे? खेत है नहीं, काम काज है नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या सोचा है? बिटिया है मोटर, नौमा पढ़ाती, सातवा लड़का है तो वह नौमा पढ़ाता है, अब वह बड़ा है तो वह 12वा है, उसको नौकरी लगाओ, बनी मजूरी कर रहो है तो कुछ और का कोशिश करो, नहीं मैं का करेंगी इन गभुआरन का, मेरे पास नहीं है एक पैसा, मैं कहे मैं दे, कहे मैं का करूं, भूखी प्यासी फिर रहे हैं इन गभुआर, अब करें लाई के नहीं आए, मजूरिया नहीं ला गए 3 साल से झुरा पारो है। राजा राम का परिवार जिस तरीके से जो सवाल उनकी पत्नी उठा रही हैं कि क्या करें, 3 साल से सूखा पड़ा है, फसल हो नहीं पा रही है, जिम्मेदारियां हर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, राजा राम नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तमाम इमदाद की बात थी, उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हो पाई। बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर सरकार खूब सारी रकम खर्च करती रही है। 7,266 करोड़ का पैकेज यहां आ चुका है, लेकिन राजा राम की ये दास्तान बता रही है, ये साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में किस तरीके से हुक्मरानों ने यहां पर नाइंसाफी की है। और ये परिवार एक शिनाख्त है, एक सबूत है हुक्मरानों की और हाकमों की, उनके जालिमपन की, उनके संवेदनहीनता की, और जो नाइंसाफी बुंदेलखंड के संग हो रही है उसकी जीती जागती मिसाल है ये परिवार। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ज्ञानेन शुक्ल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नरेनी।